हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कलर पैलेट और ब्रश का एक लोगो, और मैंने भी अपने चैनल पर लगाया हुआ है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये प्यारी सी वीडियो। सो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है, और आपको भी ऐसे 8 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो फिर आपको बनाने के बाद ऐसे जैसे मैं आपको कर्व लाइन बनाकर दिखा रहा हूँ, आपको भी सिर्फ वैसे ही करना है, नहीं तो आपका गलत भी हो सकता है। कुछ ऐसे करके, तो अब अगर आपने लाइन खींच ली है तो हम अगले स्टेप पर भी चलते हैं। तो गाइस, फिर हमने इसको ये लाइन के सेंटर तक हमने ये कर्व लाइन बनानी थी, वो बना ली, और यही लाइन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरा स्टेप। सो कुछ ऐसे करके आपको करना है। तो गाइस, ये बन चुकी है हमारी मेन बॉडी, और अब हम इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लंबा सा होल बनाएंगे इसमें, कुछ ऐसे करके। तो ऐसे करके हमें एक होल बना देना है। फिर हम जो जहाँ पर कलर्स रखे होते हैं वो वाला एरिया बनाना है। तो इसको आप कोई भी डिज़ाइन से बना सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा ट्रायंगुलर ले जा रहा हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 होल बना लिए हैं। आप 6 भी बना सकते हैं, आप 4 भी बना सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। और ये जो है, ये एक होल है जिससे हम ब्रश को बाहर निकालेंगे। तो ब्रश के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं उसकी बॉडी। तो उसके लिए हमें एक कुछ ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो गाइस, अब हमारी ब्रश की भी बॉडी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको जो हमारी ये वाली लाइन है, ये कोन कॉर्नर वाली, इससे हम बाहर निकाल देंगे ब्रश के ऊपर वाली बॉडी को। और जो ये वाली लाइन है, इससे हम ये बॉडी के अंदर एक सेंटर में एक और लाइन लगा देंगे ऐसे करके कुछ। ओके गाइस, तो हम इसको थोड़ा उसकी गर्दन और लंबी कर देंगे, और यहाँ पर भी एक लाइन बना देंगे। तो गाइस, ये हमारी अब ये हमारा जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट होता है वो बन चुका है, और ये हमारी सारी बॉडी है। और अब हम बनाएंगे इसको ऊपर वाला ब्रश। तो ब्रश, अब हम इसको आउटलाइनिंग करेंगे, और आउटलाइनिंग करने से पहले हम इसकी सेंटर वाली जो लाइन है उसको इरेज कर देते हैं। तो गाइस, हमने अब इसकी सेंटर वाली लाइन भी मिटा दी है, और अब हम यूज़ करने वाले हैं 0.5 mm का ये वाला आउटलाइनिंग पेन। इसकी निब बहुत पतली होती है, तो इससे हमारी फाइन लाइंस बन जाएंगी अच्छी तरह से। तो अब हम इसकी आउटलाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने इसकी आउटलाइनिंग भी कर ली है, थोड़ी यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पर चलो कोई बात नहीं। गलत, तो
गाइस हमारी आउटलाइनिंग हो चुकी है। निकला है बाहर आउटलाइनिंग के बाद, तो यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ से थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, पर अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो आउटलाइनिंग हो चुकी है। तो अब हम अपनी कलरिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस कलरिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे स्काई ब्लू कलर, और आप कोई भी कलर ले सकते हो, अगर आप चाहो तो ब्लू भी ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो, आप जो चाहो वो ले सकते हो। तो फर्स्ट कलर के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्काई ब्लू। तो गाइज हमने इसकी बॉडी भी ड्रॉ कर ली है, तो अब हम इसकी ये ब्रश की भी बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं फिर से पर्पल कलर। तो ऐसे करके हमारा कुछ बन चुका है, और यहाँ पर आप मैंने लिखने वाला हूँ आर्ट क्रिएटिव। तो आपको लिखकर फिर मैं आपको पूरा मेन दिखाता हूँ कि क्या बना है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।